हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, या फिर कोई भी जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होगी न्यूज़पेपर में, वो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। इससे तीन आपको फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे एक 8 से 10 मिनट के वीडियो में। दूसरा, डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उसकी आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। और तीसरा क्या है, जो भी छोटी छोटी टर्म यूज़ होंगी ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN, उसके बारे में भी मैं आपको छोटी छोटी जानकारी जो है वो देता रहूँगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैंने हाईलाइट किया होगा। जैसे ये न्यूज़ आपने सुनी भी होगी, NIA अरेस्ट बेंगलुरु कैफे बॉम्बर एंड चीफ कॉन्स्पिरेटर इन बंगाल। तो आपने पिछले दिनों, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ाया था कि बंगाल में एक जो कैफ़े होता है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था। तो उसका जो अपराधी था, NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसको अरेस्ट कर दिया है। कहाँ पे ये मिला है, ये बंगाल में मिला है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब 2008 में बॉम्बे में अटैक हुए थे, ठीक है, ताज होटल वगैरह पे जो अटैक हुए थे, उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कानून द्वारा इसको बनाया गया था, और इसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2009 में ये जो है वो मतलब पास हुआ एक्ट, और 2009 में ये जो है वो इम्प्लीमेंट हुई। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री के, ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी इसको जो है वो बंगाल से पकड़ा गया है, इसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था बेंगलुरु रमेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया था, ठीक है, और इसको वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया है। तो बहुत सारे लोगों को इस केस में ऑलरेडी पकड़ा जा रहा है। 10 लाख रुपया इसके सर पे इनाम भी था, ठीक है, ये जो बंदा है। तो यही इसमें जानकारी है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, इन्फ्लेशन इन इंडिया स्लोड येट नो रिलीफ ऑन फूड बिल्स। इन्फ्लेशन तो इंडिया में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो फूड बिल्स हैं, मतलब जो खाने पीने का सामान है, वो उसमें कोई भी जो है वो राहत नहीं हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है, मतलब हम लोग जो सामान खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो वो जो है सबसे कम हुई है पिछले 10 महीनों में, 4.85% पे आई है। वो अगर मार्च से कंपेयर करेंगे हम, मार्च में 5.1% थी, ठीक है, सॉरी, फरवरी में 5.1% थी, अभी 4.8% पे आई है। लेकिन जो फूड पार्टिकल्स हैं ना, जो फूड आर्टिकल्स रहते हैं, उनकी इन्फ्लेशन अभी भी 8.52% है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस हुआ है, पहले 8.66% थी, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मोदी जी ने क्या बोला है, कल जो है मोदी जी की रैली थी कहाँ पे, JNK में। तो मोदी जी ने बोला है कि JNK को जल्दी ही स्टेटहुड दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस होंगी। तो ये जो है रैली में मोदी जी ने कहा है। ये रैली कहाँ पे हुई है, उधमपुर डोडा में ये रैली जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, UCC डज नॉट टारगेट लाइव लिव इन कपल्स, इट हैज़ बीन ब्रॉड फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। तो आपको पीछे, ये भी आपको किसी भी करंट अफेयर में आ सकता है, उत्तराखंड जो है वो पहली इंडिपेंडेंट स्टेट बनी की, इंडिया की बनी थी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट जो है वो लागू किया गया था 2024 में, मतलब इसी साल इसमें लागू किया गया था। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि ये जो UCC है ना, इसमें लिविंग इन रिलेशनशिप को लेके भी एक कानून था। तो उसमें कहा गया है कि ये जो लिविंग कपल हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि उनका जो है टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो यही इसमें लिखा गया है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, और वहाँ पर जो इंडिया की जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट जो है वो आया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडिटोरियल क्या है आज का, डेटा फॉर बेटर एजुकेशन एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स। तो एक डेटा निकल के आया है स्टूडेंट्स का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये डेटा कौन निकालता है, इसमें बारे में पता होना चाहिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको बोलते हैं ASER, ठीक है। तो ये 2023 में रिपोर्ट रिलीज हुई है, 2005 से ये जो है वो रिपोर्ट रिलीज की जा रही है, लेकिन COVID-19 के टाइम में ये तो बंद थी, लेकिन अभी दोबारा इसको चालू किया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर चर्चा होती है,
इस रिपोर्ट के ऊपर। तो इसमें क्या है, जो 14 से लेकर 18 साल तक के जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके ऊपर जो है एक सर्वे किया गया, और इसमें जो है पाया गया कि जो 14 और 18 साल के बच्चे हैं ना, इसमें से 26% जो हैं वो एक सिंगल स्टैंडर्ड 2 लेवल की टेक्स्ट बुक को भी नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब वो उनकी रीडिंग इतनी ख़राब है, वो मतलब 14 से 18 साल के हो गए हैं लेकिन सेकेंड क्लास की जो बुक होती है उसको भी वो पढ़ नहीं सकते हैं, इस सर्वे में पाया गया। तो उसमें और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कि पहले भी ये जो है जो सब सर्वे हुआ था तो उस टाइम पे भी यही हालत थी और अभी भी यही हालत है। तो इसमें जो है स्कूल अटेंडेंस को बिल्कुल नहीं देखा है, जो ASER की जो रिपोर्ट है, इसने स्कूल अटेंडेंस को नहीं देखा है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। जबकि जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है उसमें जो 75th जो राउंड जो रिपोर्ट आई थी 2017-18 में, उसमें बताया गया था कि इंडिया में जो अटेंडेंस है ना रूरल इंडिया की, वो 60% से भी कम है। मतलब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं तो वो पढ़ कहाँ से पाएंगे। तो ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, उसमें उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें जो है ना स्कूल्स को सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि हम लोग हमें पढ़ना है, पढ़ाई है, ये है, बच्चों को जो है सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें सही से काम करना है, ठीक है। लोगों को समझाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज़ को बनाना पड़ेगा और बच्चों को मोटिवेट की करना पड़ेगा कि आप लोग लाइब्रेरी में जाओ, रीडिंग हैबिट्स को जो है वो आप बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कही गई है। और भी इसमें कहा गया है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, यूनाइटेडली एक साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा और जो भी बच्चे हैं जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसे हमें जो है वो गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ने इस सर्वे में कहा है कि हमारे पास कोई गाइडर नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, आजकल पता होगा आपको स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि ये बकवास है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है जो हमें हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करता है। उसके बाद स्मार्टफोन के यूज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है लिखी हुई है और हमें सही तरीके से जो है क्रूशियल एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि हमारा जो यूथ है वो आने वाले समय में इंडिया के लिए कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा कर पाए और खुद के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, वो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था अगर किसी भी एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग लिखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। अब आजकल क्या है ना, पूरा पेज जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ से बड़ा रहता है क्योंकि आजकल जो है पॉलिटिक्स जो है, इलेक्शन जो है वो चल रही है। अभी एक मूडीज एनालिटिक्स सेज इंडिया GDP टू ग्रो एट 6.1% इन 2024। तो मूडी एक जो है वो मतलब एजेंसी है जो GDP को प्रेडिक्ट करती है, तो उसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है वो 6.1% रहेगी 2024 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 6.1% आपको याद रखना है। तो ये पहले से जो है वो कम होगी, मूडी का ये कहना है। तो मैंने दो तीन पढ़ाई, कल एशियन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था मैंने, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया की जो GDP है वो 7.1% रहेगी, ठीक है, सॉरी 7% रहेगी, ठीक है, और इसने प्रेडिक्ट किया 6.1% रहेगी। तो ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मूडी के बारे में भी आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। इंडिया एक्सप्लोर्स कोंगो फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट एक्सेस। तो इंडिया क्या कर रही है, ये जो मिनरल रहते हैं इनके एक्सेस के लिए, मतलब इनको खोजने के लिए इंडिया क्या कर रही है, जो कॉन्गो एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, उससे एक्सेस लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये डील जो है शायद अगले 3 महीने में मतलब सही हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इंडिया वहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएगी कोबाल्ट को, कॉपर को, और इंडिया को अगर ये मिल गया तो इंडिया उसको अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकती है अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई। बेस्ट एशिया ऑन एज एमिड अफेयर्स ऑफ इरान्स हिट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो इसराइल है उसने अटैक किया था कहाँ पे, सीरिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी रहती है ना किसी कंट्री की, वहां पे अटैक किया था। तो उसके बाद ईरान ने बोला है कि हम लोग जो है बैकफायर करेंगे और ईरान के ऊपर भी वापस से अटैक करेंगे। तो वेस्ट एशिया में इस चीज को लेके काफी टेंशन चल रही है, आपने भी न्यूज में सुना होगा, और इसराइल और पैलेस्टीन का वार तो ऑलरेडी चला ही है। तो ये जो मतलब टेंशन है ये काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो उसकी न्यूज़ है, और ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। आपको पता है कल दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जीत गया, बाकी पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। जय हिंद।